हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको किचन और होम मैनेजमेंट पर कुछ टिप्स देने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब कर लीजिए, और साथ में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। मेरी पहली टिप ये है कि कभी कभी हमें माइक्रोवेव ओवन में स्पार्किंग की प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने दो नींबू आधे आधे पीस में काटे हुए हैं और आधा बोल कांच के बोल में पानी लिया हुआ है। इसमें मैं नींबू का रस डालूंगी। पानी में नींबू के रस को अच्छे से निचोड़ लेंगे हम। उसके बाद माइक्रोवेव ओवन खोल के उसमें हम इस पानी को रख देंगे, नींबू वाले पानी को, और टाइमर सेट कर देंगे 5 मिनट्स का और स्टार्ट दबा देंगे। पाँच मिनट होने के बाद हम थोड़ी देर डोर बंद ही रखेंगे, फिर उसके बाद डोर खोलेंगे जिससे कि मॉइस्चर से इसके अंदर की सारी गंदगी में थोड़ा सा नमी आ जाए और सफाई करने में आसानी हो। फिर हम एक कपड़े की सहायता से पूरे माइक्रोवेव के अंदर की सफाई करेंगे, क्योंकि फूड पार्टिकल्स के छिटकने की वजह से ही इसके अंदर स्पार्किंग होती है। मेरी दूसरी टिप है, कभी कभी हमें एक दो बॉयल आलू की ज़रूरत होती है, उसके लिए पूरा कुकर लगाना समझदारी नहीं है। तो आप कुकर में दाल बॉईल कर रहे हैं या कोई भी सब्जी बना रहे हैं तो साफ कटोरे में आलू छीलकर धोकर रख दें और फिर ढक्कन लगा दें। देखिए, दाल के साथ हमारे आलू भी उबल गए, इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होती है। मेरी तीसरी टिप है, जब कभी आप घी बनाने के लिए मलाई जमा करते हैं तो उसमें 1 चम्मच दही डाल लें उस बर्तन में, और फिर आप मलाई जमा करके उसको इस तरह से मिला लें। और जब भी आप बर्तन में मलाई जमा करें, एक दिन छोड़ के आप दही डाल के उसको मिक्स कर लें। इससे मलाई भी ख़राब नहीं होती और घी बनाने के लिए वाइट बटर जो हम बनाते हैं वो भी आसानी से बन जाता है, खास करके सर्दियों में। मेरी चौथी टिप है मेथी की सब्ज़ी को आसानी से साफ़ करना। मेथी की सब्ज़ी साफ़ करना एक बहुत बड़ा झंझट होता है। इसके लिए हम मेथी को आधे पार्ट में, जहाँ से उसके हार्ट स्टेम होते हैं वहाँ से हम चाकू से कट कर लेंगे, और फिर इस तरह से आप जो ख़राब ख़राब पत्तियाँ, जो घास फूस होती हैं उसके अंदर की निकाल लेंगे, और जो भी आपको खराबी दिखेगा तो आसानी से हमारी मेथी की सब्ज़ी साफ़ हो जाएगी। मेरी पांचवी टिप है कि कभी कभी हमें काफ़ी सारे लहसुन साफ़ करने होते हैं, तो उसके लिए आप आधा घंटा पहले लहसुन को गर्म पानी में भिगो दीजिए। इससे देखिए छिलके कितने आसानी से हमारे हाथ से उतर जा रहे हैं। मेरी छठी टिप है अनार को कैसे हम जल्दी से छीलेंगे। देखिए, अनार के हम ऊपर के और नीचे के ऐसे टिप काट लेंगे और फिर उसके सेंटर का पार्ट थोड़ा निकाल लेंगे और इस तरह से उसमें कट्स लगाएंगे अनार में। कट्स लगाने के बाद हम जब इनको छीलेंगे, जब हम इसको खोलेंगे तो ये आसानी से खुल जाएगा। ये देखिए मेरी सातवीं टिप है, जब कभी आप स्टफ पराठे बनाते हैं और आपको कई सारे लोगों को एक साथ खिलाना है, तो पहले पराठों को हम दोनों साइड से बिना ऑयल लगाए हुए थोड़ा कम सेक के हम एक कैसरोल में रख लेंगे या एक प्लेट में रख लेंगे, और फिर जब आपको खिलाने के लिए रेडी होते हैं सब लोग, तो आप एक एक पराठा ऑयल में सेक के फटाफट से पराठे सेक के आप खिला सकते हैं। इससे पराठे में ऑयल भी कम लगता है और आप गर्मा गर्म पराठे भी खिला सकते हैं। मेरी आठवीं टिप है, हरे धनिया की चटनी में बढ़िया हरे रंग के लिए हम 1/4 चम्मच उसमें हल्दी मिला देंगे और थोड़ा सा नींबू का रस मिला देंगे। इससे हरे धनिया की चटनी का जो ग्रीन कलर है वो बहुत बढ़िया वाइब्रेंट कलर आता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। मेरी नवी टिप है, अगर आप छिपकलियों से बहुत परेशान हैं घर में किचन में, तो ये अंडे अगर आप खाते हैं तो अंडे के छिलकों को आप फेंके नहीं। इसको आप कोनों में, दरवाजे के पीछे, कर्टेन के पीछे डाल सकते हैं, क्योंकि ओपन में रखेंगे तो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए आप इन जगहों में इनको रख सकते हैं और 1 वीक के बाद छिलके बदल दें तो आपको फ़र्क ज़रूर दिखाई देगा। मेरी 10वीं टिप है, अक्सर हम नींबू को निचोड़ के नींबूओं को डस्टबिन में फेंक देते हैं, इसमें थोड़ा सा रस बचा होता है। इन नींबूओं को हम आधे कटोरे पानी में डुबा के रख देंगे, और शाम के समय जब किचन का सारा काम हो जाता है तो इन नींबूओं को हम निचोड़ के फेंक देंगे। इसका रस सारा निकल चुका है और इसमें 1 चम्मच नमक डाल के अच्छे से घोल लेंगे। रात में सारा काम हो जाने के बाद आप स्लैब में इसको डालेंगे और कपड़े से पोंछ देंगे। इससे इंसेक्ट्स, कॉकरोच,
और चींटियां नहीं आती हैं। मेरी 11वीं टिप है, नरम मुलायम और पतली रोटी बनाने के लिए हम रोटी के आटे में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और उसके गूदे आटे से अगर आप रोटी बनाएंगे तो रोटी नरम मुलायम भी बनेंगी, पतली भी बनेगी, साथ में बेलने में चिपकेगी भी नहीं। मेरी 12वीं टिप है, दूध का बर्तन हम साफ़ करने में काफ़ी दूध लगा रहता है बर्तन में, देखिए। तो इसके लिए हम दूध के बर्तन में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसके पानी से हम आटा गूंदेंगे, तो दूध का यूटिलाइज तो होगा ही, दूध का बर्तन भी साफ़ हो जाएगा, साथ में इस आटे से रोटियां भी सॉफ्ट बनेंगी। मेरी 13वीं टिप है कि घर में पुराने टूथब्रश होते हैं तो आप इनको फेंके नहीं, इनसे हम कुकर के ढक्कन जहाँ पर हमारे स्क्रबर नहीं पहुँच पाता है जिन जगह पर, वहाँ पर हम टूथब्रश से साफ़ कर सकते हैं इनको, टूथब्रश से बहुत अच्छे साफ़ होते हैं। और इसके अलावा जो ग्रेटर होते हैं जिनके शार्प एज होते हैं, इससे हाथ कटने का डर होता है, टूथब्रश से बहुत अच्छी तरह से साफ़ होते हैं। इसके अलावा मिक्सी के ढक्कन या फिर कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो टूथब्रश से अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती हैं। मेरी 14वीं टिप है, ये वो नींबू है जो हम इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, इन नींबू में रस होता है, इससे हम तांबे के बर्तन में लगाएंगे। तांबे के बर्तन में इसको अच्छी तरीके से लगा के हम इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे। थोड़ी देर बाद हम इसको स्क्रबर से साफ़ करेंगे, तो ये देखिए तांबे का बर्तन हमारा कितना बढ़िया चमक गया है। इसी तरीके से आप लोहे के बर्तन में भी ये बचे हुए जो वेस्ट नींबू होते हैं उसका रस लगा के लोहे के बर्तन भी साफ़ कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए कितना बढ़िया चमक गया। मेरी 15वीं टिप है, लौकी को पीलर से कभी साफ़ नहीं करें, क्योंकि पीलर से साफ़ करने में छिलके निकालने में बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, इसके पोषक तत्व तो बहुत निकल जाते हैं, इसलिए इसको चाकू से हमेशा इस तरह से साफ़ करा जाता है। लौकी को छीलने का सही तरीका ये होता है, इस तरह से आप लौकी को छीलिए तो इसके पौष्टिक तत्व हमें ज़्यादा मिलेंगे। मेरी 16वीं टिप है कि आप इसी तरह से पीलर से अदरक को भी ना छीलें कभी भी, अदरक को आप चाकू से इस तरह से छीलें, छिलके उतारें, या फिर आप अगर आपसे चाकू से नहीं होता है तो आप चम्मच से भी इसको छील सकते हैं, इस तरह से वेस्ट नहीं होता अदरक। मेरी 17वीं टिप है कि हम धनिया साफ करते हैं तो धनिया के डंडे रह जाते हैं, तो इसको हम प्याज लहसुन और अदरक के साथ मिक्सी में पीस के सब्जी में डाल लें तो इससे सब्जी का स्वाद भी बढ़ेगा और डंडियों का यूज़। मेरी 18वीं टिप है कि प्याज को हम ऐसे छील के धो लें एक बार, और उसके बाद अगर हम कट करें तो ये हमारा प्याज काटने में आंखों में नहीं लगेगा। मेरी 19वीं टिप है, जब कभी आप आटा गूंथते हैं तो आटे को पहले आप बाइंड कर लीजिए सारा आटे को, फिर उसके बाद उसमें हम पानी डाल लेंगे, उसके ऊपर हम पानी अच्छे से पानी लगा के फिर इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और 10 मिनट के बाद अगर हम इसको गूंदेंगे आटे को तो ये आटा एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा, आटा गूंदने में आसान हो जाएगा। मेरी 20वीं टिप है, जब कभी भी आप एलोवेरा का जेल निकालते हैं तो वो हाथ में चिपकता है या हाथ से फिसलता है, तो उसके लिए एक टिप है कि आप पहले चाकू से उसके साइड्स निकाल लें और ऊपर वाली परत निकाल लें, नीचे वाली साइड हमें छोड़ देनी है, और फिर आप स्पून की सहायता से, एक चम्मच की सहायता से इसका जेल निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आप दोनों साइड निकालेंगे तो हाथ से फिसलता है और मैसी भी हो जाता है, तो इस तरीके से बड़े आसानी से इसका जेल निकल जाता है। मेरी 21वीं टिप है, कभी कभी हमारे सॉक्स कबर्ड में ऐसे मिक्स होए रहते हैं कि हमें उसका पेयर ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है, ज़्यादातर सुबह के टाइम जब बच्चों के लिए यूनिफॉर्म के सॉक्स ढूंढने होते हैं, तो उसके लिए एक टिप है, आप इस तरीके से एक सॉक्स का पेयर लें और उसके अंदर हम दूसरा डाल दीजिए और कबर्ड में इनको इस तरीके से रख दीजिए, तो इससे आपको उसका पेयर ढूंढने में आसानी होगी, आप एक सॉक ढूंढेंगे तो उसका पेयर भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आप एक सॉक्स अगर आप ढूंढेंगे तो आपको उसके अंदर दूसरा सॉक्स भी मिल जाएगा। इसी तरह से आप ग्लव्स भी रख सकते हैं। मेरी 22वीं टिप है, जिद्दी दागों को कैसे निकालें, तो इसके लिए हम दाग के ऊपर बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा किचन में होता है, वो उस दाग के ऊपर डालेंगे और उसके बाद हम इसमें नींबू का रस निचोड़ देंगे। देखिए कैसे बबल बन रहे हैं। अब हम इसको रिएक्शन करने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं।
आधे घंटे बाद देखिए, स्क्रबर से इस दाग को हम रगड़ेंगे, पानी भी लगाएंगे और इसको हम रगड़ते रहेंगे। आप चाहें तो इसको ब्रश से और साबुन लगा के भी साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से बार बार साफ़ करने के बाद देखिए, दाग इतना हल्का हो गया है। अब हम ये जो आपको थोड़ा सा दाग दिख रहा है, ये आप तेज़ धूप में डालेंगे तो इसको ये दाग भी नहीं रहेगा, क्योंकि हल्दी का दाग है। ये देखिए, तेज़ धूप में मैंने डाला था तो ये दाग बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है। मेरी 23वीं टिप है कि कांच के ग्लास जहाँ पर कई जगह पर लगे होते हैं वो कपड़े से साफ़ नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम न्यूज़पेपर लेंगे। ये ड्राई न्यूज़पेपर का मैंने बॉल सा बनाया है और इसको हम पानी में निचोड़ लेंगे। पानी में निचोड़ने के बाद हम इससे इस टेबल को साफ़ करेंगे, या फिर आप विंडो के ग्लास, जहाँ पर भी ग्लास होते हैं, शीशे होते हैं, मिरर, उनको भी आप इससे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो गीले से के बाद हम इसको ड्राई जो न्यूज़पेपर है उससे हम इस ग्लास को साफ़ करेंगे, तो इसमें आपको एक भी स्क्रैच नहीं दिखेगा। ये देखिए कितना बढ़िया ग्लास साफ हो गया है, आप देख सकते हैं। मेरी 24वीं टिप है कि नेफ्थलिन बॉल्स आपने रेस्टोरेंट्स वगैरह में वॉश बेसिन में लगी हुई देखी होंगी। नेफ्थलिन बॉल्स बहुत अच्छी कीटाणुनाशक होती है और ये कीड़े मकोड़ों को भी दूर भगाती है। कॉकरोच इनकी वजह से नहीं आते हैं, तो आप इनको बाथरूम के कोनों में या किचन में सिंक के नीचे इनको डाले रखिए और घर में डाले रखिए। इससे घर में अच्छी खुशबू तो आएगी ही, साथ में कीड़े मकोड़े भी दूर भागेंगे। मेरी 25वीं टिप है कि कढ़ाई में फ्राई करने के लिए तेल अपनी ज़रूरत के हिसाब से लें। जैसे अभी आपने चिप्स डाला है तो चिप्स जितना डूब जाए उतना ही ऑयल मैंने लिया हुआ है। अगर आपको ज़्यादा पूरियाँ बनानी है तो आप बड़ी कढ़ाई और ज़्यादा तेल ले सकते हैं। तेल आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लें, क्योंकि तेल का रीयूज़ करना, बार बार यूज़ करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आपको थोड़ा सा तेल बच जाता है तो आप इसको पराठे सेकने में यूज़ कर सकते हैं या फिर सब्ज़ी बना सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। आई होप आपको टिप्स पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो।